तो दोस्तों मैंने OMG 2 मूवी देख लिया है और जो हम सोच रहे थे ये मूवी सेक्स एजुकेशन पर ही बेस है, लेकिन अब आप इस मूवी के बारे में अपना कोई भी राय बनाएं उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। अच्छा, OMG 2 मूवी आपको एंटरटेन करेगी और इसके साथ बहुत ही सरल तरीके से सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएगी। ये मूवी अच्छी है, लेकिन आप इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि ये मूवी थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करती है कि ये मूवी हमें कहना क्या चाहती है। सेंसर बोर्ड इस मूवी को ए कैटेगरी में रखा है, जिसके कारण इस मूवी को सिर्फ 18 साल या उससे ऊपर के लोग देख सकते हैं, लेकिन असल में ये मूवी 15 से 18 साल के बच्चों पर बेस है और उनकी लाइफ को फोकस करती है। ये मूवी सेक्स एजुकेशन जैसे एक बड़े मुद्दे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस मूवी में शब्दों का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सुनने को मिलेगा। मूवी में कही गई सारी बातें आपको सार्थक और सत्य लगेगी, लेकिन इन सब के बाद भी आपको मूवी में एक भी वल्गर शब्द और विवादित बयान सुनने को नहीं मिलता है। ये इस मूवी की एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। इसके डायरेक्टर और राइटर ने इस बात पर पूरा पूरा ध्यान दिया है और इन सब में 4 चांद लगाते हैं इस मूवी के डायलॉग। सभी डायलॉग एक से बढ़कर एक है, जो कि आपको हर सिचुएशन में फिक्स ही लगेंगे और इसके डायलॉग इतने सुंदर है कि आपको इसे सुनकर मजा आ जाएगा। जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था हमारा। इन सब के अलावा अगर आप इसे अक्षय कुमार की मूवी समझकर देखने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी में सिर्फ 20% पार्टी अक्षय कुमार पर बेस है, बाकी पूरी मूवी पंकज त्रिपाठी पर बेस है और पंकज त्रिपाठी अपने शिव भक्त वाले कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से जस्टिस करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार का इस मूवी में उतना ही रोल है जितना उनको होना चाहिए। जहां उनकी जरूरत होती है हमें वहां अक्षय कुमार देखने को मिलता है। OMG 2 मूवी में अक्षय कुमार ने कैमियो दिया है, अगर ये हम कहेंगे तो ये बुरा नहीं होगा। शिव के दास नहीं, शिव के पास। मेरे हिसाब से ये मूवी आपको एंटरटेन करने के साथ साथ कुछ सिखाती भी है और सेक्स एजुकेशन जैसे मुद्दे को समझाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जिससे आपको बुरा भी नहीं लगता और मूवी अपनी बात कह देती है। इस मूवी को लेकर आपकी जो भी राय है, अच्छी या बुरी, ये आप मूवी देखने के बाद बनाओगे तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि ये मूवी उस बंद बॉक्स की तरह है जिसे अगर आप खोलोगे नहीं तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है। तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। और दोस्तों ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाते ही रहता हूँ, जिसे अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना साथ बनाए रखना तरुण थिंकिंग के साथ।